तो भाई मैंने टिकट ले ली है, फाइनली अपने नंबर आ गई। तो ये रहा विश्व शांति स्तूप। इस टेंपल का क्या इम्पोर्टेंस है आप मुझे बताइए। अरे रुक क्यों गया भाई? भाई यहाँ पे रोपे रुक चुकी है, डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ है। आसमान की ऊंचाइयों में रोपे बंद हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आपका राजगीर के स्पेशल ब्लॉग में स्वागत है और हम राजगीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी यानी कि अभी की जो हमारी प्लेस है वो है शांति स्तूप। तो शांति स्तूप बेसिकली ये बौद्ध टेंपल है। तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ये मेन गेट है। तो चलिए फिर ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ट्रैवल चैप्टर 22। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पैदल यानी कि पैदल आप सीढ़ियों से होते हुए आप जा सकते हैं। एक है रोपवे के थ्रू, यानी रोपवे के थ्रू भी आप जा सकते हैं और आप पैदल भी पहाड़ पर जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पसंद करते हैं या फिर आप रोपवे के थ्रू जाना पसंद करते हैं। और ये कुछ अंदर का ये सीन है। तो चलिए सबसे पहले वहाँ पे टिकट घर है, वहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले टिकट लेते हैं, टिकट लेके रोपवे से हम लोग जाएंगे। यार राजगीर आए हो तो कुछ तो एडवेंचरस करना है ना, तो रोपवे के थ्रू हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले टिकट ले लेते हैं। तो भाई मैंने टिकट ले ली है, ये जो मैंने लिया है टिकट ये चेयर लिफ्ट का है, यानी कि तो चेयर की तरह रहेगा, उस पर बैठ जाना है। एक केबिन का है तो केबिन का मैंने नहीं लिया। भाई अभी इतनी लंबी लाइन है तो पूरी लाइन आई थिंक आने में, नंबर आने में 1 घंटे लग जाएंगे। लंबी लाइन है वहाँ से फिर वहाँ। हाँ इसे से ये सीढ़ी से जाने का रास्ता है, सीढ़ियों से जाना चाहता तो इधर से जाते, बाकी रोड से जाइए। तो 20 मिनट बाद अभी यहाँ पे पहुँचे हैं एंट्री गेट से, बस थोड़ा दूर और। फाइनली अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी यहाँ से ऐसे घूम के फिर यहाँ आएंगे, फिर वैसे जाना। तो अभी और भी टाइम टेकन है, आई थिंक 20 मिनट्स और लेंगे, 15 या 20 मिनट्स। फाइनली अपनी नंबर आ गई है। अप्रॉक्स ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर। डर तो लग रहा है वैसे, अभी इतना भी हाइट पे नहीं आया है। ये देखिए नीचे, ये केबिन वाला है। तो केबिन वाला एक आप देख सकते हैं, एक केबिन वाला जो चल रहा है रोपवे, बट इसमें क्या था थोड़ा एडवेंचरस कम था। इसमें खुला आसमान, खुला सब कुछ, तो इधर एडवेंचरस थोड़ा ज़्यादा। वो केबिन वाला है ट्रैवल चैप्टर, यहाँ पे खाइए ये देखो। ओ अभी और ऊंचा है भाई, देख लो अभी कितना ऊंचा है पीछे। ओ आवाज कर रहा है ये तो, गजब की एक्सपीरियंस है भाई, एडवेंचरस। भाई अभी और ऊंचा है, एटलीस्ट ये 1.5 किलोमीटर तो मैं कम बताया शायद, ये थोड़ा और ज़्यादा ही है, माइट भी 1.5 किलोमीटर से ये ज़्यादा है भाई, बहुत लंबा टाइम लग गया इसमें भी।
8 मिनट शायद हो गया मेरे ख्याल से अप्रॉक्स। ओ भाई ये हटना चाहिए, देखो लॉक किसका है, लॉकिंग सिस्टम यही है। इसी पे बस मैं टिका हुआ हूँ, थोड़ा ऊपर से मैं दिखाता हूँ, ये देखो बस इतना ही पे टिका हुआ हूँ मैं। फाइनली हम लोग ऊपर पहुँचने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आया वैसे, जो भी कहो मज़ा बहुत आया। मतलब लगा कि हाँ कुछ एडवेंचरस मैंने किया राजगीर आके। देखो यहाँ पे इसी तरह उतरना है स्लोली, ये देखो ये हटाएंगे और उतर जाना है। ओ हो 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 आगे बढ़िए, ग्रेट सक्सेस। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं शांति स्तूप बौद्धिस्ट टेंपल। ये जाने का रास्ता है इधर से ऊपर, तो फटाफट चलते हैं अभी। तो ये रहा विश्व शांति स्तूप बौद्धिस्ट टेंपल। यहाँ बाहर बाहर से भी लोग आते हैं, चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, और भी कई जगह से लोग बाहर से आते हैं विजिट करने। जो भी यू नो बौद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करता है वो लोग, सभी लोग आते हैं यहाँ पे। और हाँ जैन लोग भी आते हैं यहाँ पे। एक मंदिर इधर था और एक और इधर है, पता नहीं इसमें कैमरा अलाउ है या नहीं, बट कोशिश करते हैं। और बेसिकली जो ये जो शांति स्तूप है, विश्व शांति स्तूप, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बेसिकली क्या आप इसको कह सकते हैं, ये जो है एक लेसन देता है, यानी कि जो बुद्ध हैं इसका ये मतलब है कि सभी को इकट्ठे होकर रहना है, सभी को एक साथ रहना है, सभी को शांति से रहना है, राइट। और ये सिखाता है कि हमें हिंसा नहीं करना है, हमें सच्चाई के धर्म पर चलना है। तो बेसिकली ये है यहाँ पे इसका मंदिर का जो भी इम्पोर्टेंस है, प्लस और भी कुछ है बट इतना मुझे पता नहीं है तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी आप ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, विकिपीडिया आप देख सकते हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम भुवन। अच्छा आप कहाँ से? नेपाल के हूँ। इस टेंपल का क्या इम्पोर्टेंस है आप मुझे बताइए। टेंपल के मेन उद्देश्य ये है कि विश्व में जो भी राष्ट्र और कंट्री में किसी को भी माने शांति चाहिए, शांति चाहिए, इसलिए कि यहाँ शांति के प्रार्थना कर माने अभी जो कोई अहिंसा परम धर्म शांति के प्रार्थना कर रहे हैं। ये जापानी बौद्ध संघ का एक मंदिर है। अच्छा, इसको कहते हैं शांति के मंदिर। और ये बेसिकली एक तरह से पीस फैलाते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना, शांति। और सभी को ये कहते हैं सबको इकट्ठे होकर रहें, ऐसा कुछ है। शांति ऐसा चीज़ है कि वो मन के अंदर से भीतर से ही एक संतुष्टि के प्रभाव दिखाने वाला बताने वाला चीज है, संतुष्ट बता रहा है आत्मा को जो कुछ भी चाहिए, जो सामान या कोई भी चाहिए वो आकांक्षा कामना के पाने के लिए, लेकिन नहीं मिलने पर उसी पर उनको शांति मिलती है। हाँ, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है,
अच्छा, लेकिन नहीं मिलने पर भी ऐसा फीलिंग कर, हाँ चलो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, संतोष कर रहूँगा, इसी में शांति है, इसी तरह बता सकते और शांति तो मतलब ऐसे ये इसमें न कोई किसी ने किसी पर अंडर करके दबाव करके तो उस पर न शांति मिलने वाला है, बंदूक हथियारों से उसको डर दिखा कर शांति मिले बिल्कुल नहीं, हिंसा शांति में शांति बताने के लिए फिर उत्पन्न करने अपने से बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बताया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी थे हमारे साथ, मतलब ये टेंपल में ही इनका काम रहता है तब जो भी है। तो गाइस मैं ये बता रहा था कि जैसे हमारे मंदिर में रहते हैं पुजारी लोग, पंडित लोग, उसी तरह यहाँ पे भी दो लोग थे, एक आपने देखा होगा ड्रम बजा रहे थे और एक जिन्होंने मुझे बताया, तो दो लोग थे वो लोग यहाँ पे थे। तो ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, दर्शन कर लिया, मंदिर में चला गया, ये सब कुछ घूम लिया, तो अब जो है वापस से सेम रोपवे के थ्रू नीचे उतरते हैं, देन फिर ये ब्लॉक को मैं एंड करता हूँ। उसके बाद फिर और भी प्लेसेस हैं राजगीर में एक्सप्लोर करने के लिए, तो उन सभी प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग में बने रहिए, और अभी जो व्यू मैं दिखा रहा हूँ भाई वो आप देखो, लुक एट दिस। देखते हैं उतरने में क्या होता है, चढ़ने को तो चढ़ गए हैं अपन लोग। उतरने में बहुत डर लग रहा है। अरे रुक क्यों गया भाई? भाई यहाँ पे रोपे रुक चुकी है, डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ है, आसमान की ऊंचाइयों में रोपवे बंद हो गया भाई, ये हिल रहा है बहुत। चलनी शुरू हुई भाई, सांस अटक गई थी, सांस अटक गई थी, रोपवे बीच में बंद हो चुकी थी। और यहाँ पे सीन देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है, नज़ारे देखिए बस आप, सिर्फ सीन क्या मस्त है भाई सामने का, वाव खतरनाक। यहाँ पे नीचे देखने में डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, डरना भी है बट नीचे भी देखना है, उसी को तो एडवेंचर बोलते हैं। ये बंद क्यों हो गया था थोड़ी देर पहले? लाइट गया, अरे यार ये लाइट का क्या चक्कर है, ये खाली आ रहा है, इस पर कोई बैठ नहीं पाया था आई थिंक, या फिर कोई डर गया होगा तो ये ऐसा ही चला गया। ओहो आवाज़ हो रहा है बहुत। चलिए तो आपसे मिलते हैं अब नीचे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं नीचे, उतरते टाइम का तो भाई नेक्स्ट लेवल का था मज़ा, मतलब डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था, और जो बीच में रुका भाई उसका तो भाई अलग ही, उसका तो छोड़ ही दो। तो आज की जो हमारी जर्नी थी विश्व शांति स्तूपा में वो समाप्त होती है। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की नेक्स्ट लेवल की वीडियो आने वाली है इस चैनल पे न्यू। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी उससे मोटिवेशन होगा इसी तरह की न्यू वीडियो बनाने की, न्यू एडवेंचरस करने की। तब तक के लिए भाई टिल देन टाटा गुड बाय, जय हिंद।